यीशु ख्रिस्त में प्यारे मसीह भाइयों एवं बहनों, आज प्रभु प्रकाश के बाद का मंगलवार अर्थात 5 जनवरी 2021 का बाइबल पाठ इस प्रकार है। पहला पाठ जो कि संत यौहन के पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 7 से 10 तक से लिया गया है। संत यौहन अपने पत्र के इस अंश के द्वारा हमें यह बताते हैं कि ईश्वर प्रेम है और वे हम सभी से प्यार करते हैं। अब्बा परमेश्वर का प्रेम उनके पुत्र यीशु मसीह की शिक्षा एवं कार्यों में स्पष्ट रूप से झलकता है। अतः संत यौहन अपने पत्र के इस अंश के द्वारा हम विश्वासियों से आग्रह करते हैं कि यीशु मसीह के शिष्य होने के कारण हमें उनके शिक्षा के अनुसार जीवन यापन करने की आवश्यकता है। तो आइए हम आज का पाठ सुने। संत यौहन का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 7 से 10 तक। पाठ का मूल सारांश है, ईश्वर प्रेम है। प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करता है, वह इससे प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को संसार में भेजा जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। यह प्रभु की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। आज का सुसमाचार पाठ संत मार्कुस अध्याय 6 पद संख्या 34 से 44 तक से लिया गया है। सुसमाचार के इस अंश द्वारा संत मार्कुस यीशु की दयालुता एवं प्रेम का वर्णन करते हुए हमें यह शिक्षा देते हैं कि हमें अपने आसपास रहने वाले लोगों के प्रति दया एवं प्रेम जागृत करने की जरूरत है, विशेषकर दीन दुखी, गरीब, बीमार एवं जरूरतमंदों के प्रति दया दिखाते हुए अपने जीवन को सेवा कार्य में समर्पित करें, क्योंकि सेवा में ही प्रेम निहित है। हमारे पास जो भी है ईश्वर द्वारा प्रदत्त वरदान है, जितना हम बांटेंगे उतना हम बटोरेंगे। आइए हम आज का सुसमाचार पाठ सुने और मनन करें कि क्या हम प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन यापन कर रहे हैं। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 33 से 44 तक। पाठ का मूल सारांश है, यीशु रोटियों का चमत्कार दिखाकर अपने को नबी के रूप में प्रकट करते हैं। यीशु ने एक विशाल जनसमूह देखा और उन्हें उन लोगों पर तरस आया क्योंकि वे बिना चरवाही की भेड़ों की तरह थे और वह उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। जब दिन ढलने लगा तो उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, यह स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है, लोगों को विदा कीजिए जिससे वे आसपास की बस्तियों और गांवों में जाकर खाने के लिए कुछ खरीद लें। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। शिष्यों ने कहा, क्या हम जाकर 200 दीनार की रोटियां खरीद लें और उन्हें लोगों को खिला दें? यीशु ने पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? जाकर देखो, उन्होंने पता लगाकर कहा, 5 रोटियां और 2 मछलियां। इस पर यीशु ने सबको अलग अलग टोलियों में हरी घास पर बैठाने का आदेश दिया। लोग 100-100 और 50-50 की टोलियों में बैठ गए। यीशु ने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली और स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी। वह रोटियां तोड़ तोड़ कर अपने शिष्यों को देते गए ताकि वे लोग परोसते जाएं। उन 2 मछलियों को भी उन्होंने सब में बांट दिया। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए। रोटियों और मछलियों के बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। रोटी खाने वाले पुरुषों की संख्या 5,000 थी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है।